हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में शॉर्ट सेलिंग किस तरीके से करनी है, वो भी इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में ही शॉर्ट सेलिंग की जाती है, उसके बारे में एक डेमो बताने वाले हैं। मैं एक स्टॉक आपको शॉर्ट करके भी दिखाने वाला हूं। तो शॉर्ट सेलिंग आपको सिर्फ इंट्राडे में करनी होती है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि पहले ही कोई स्टॉक सेल कर देते हो और जब भी स्टॉक वो नीचे आता है तो उसको फिर से बाय कर लेते हो। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपकी ब्रोकर की मदद से ये हो सकता है सिर्फ इंट्राडे में। मान लीजिएगा आपने 200 रुपये पे कोई शेयर बेच दिया और वो स्टॉक नीचे आ गया 190 रुपये पे, तो फिर से आप उसे बाय कर लोगे और जो बीच का डिफरेंस होगा 10 रुपये का, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये होता है बेसिकली शॉर्ट सेलिंग। आपके पास जो स्टॉक नहीं है वो भी आप बेच सकते हो ब्रोकर की मदद से इंट्राडे में। डिलीवरी में ये चीज़ आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम जाएंगे वॉच लिस्ट में, फिर एक बार बता देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग है तो आपको यहाँ पे रिस्की ट्रेडिंग होती है। एनालिसिस के बगैर ये चीज़ें मत कीजिए। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो मैं आज स्टॉक सेल करूँगा वो है एलटी का, क्योंकि एलटी थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टीसीएस भी है हालांकि, लेकिन मैं एलटी के ऊपर थोड़ा सा जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले स्टॉक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको चार्ट एनालिसिस करना है और उसके बाद ही सारी चीज़ें करनी है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्टली भी रैंडम स्टॉक सेल करना है। तो मैं यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करूँगा। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये सबसे पहले यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करना है, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इंट्राडे में आपको 5x तक का लेवरेज मिल जाता है, यानी कि 2377 रुपये का स्टॉक यहाँ पे है। लेकिन आप अगर क्वांटिटी, यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी ले लूँ तो मुझे सिर्फ देने होंगे 4758 रुपये। ज़्यादा पैसे यहाँ पे मुझे नहीं देने हैं, सिर्फ इतने ही पैसे मैं दूंगा और मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है लेवरेज मिलेगा। ये सिर्फ इंट्राडे में मिलता है, डिलीवरी में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा जल्दी है, इसकी वजह से वीडियो भी खत्म करना है, तो उसकी वजह से हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। आपको सीधे यहाँ पे सेल करना है। आपके पास स्टॉक नहीं है फिर भी आपका ब्रोकर आपको ये शॉर्ट करने का मौका दे रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट और भी नीचे आएगा या फिर जो पर्टिकुलर स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है वो और भी नीचे आ सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट करके पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं पोजीशंस में हम आ गए हैं और हमने जो स्टॉक सेल किया है उसमें अभी 60 पैसे का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। कौन सी प्राइस पे हमने सेल किया था आप देख सकते हैं, 2377.11 पे सेल किया था, अभी चल रहा है 2377.55। इसकी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे नुकसान दिखाई दे रहा है। वेट करेंगे, मेरा अंदाज़ा ये है कि स्टॉक अभी भी और नीचे आ सकता है, तो जैसे ही प्रॉफिट होगा हम इसे एग्जिट कर सकते हैं। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग है तो आपके पास टाइमिंग होता है 3:30 बजे का, तो मार्केट खत्म होता है। लेकिन अगर आपको पेनल्टी से बचना है, ऑटो स्क्वायर ऑफ की पेनल्टी से बचना है, तो आपकी पोजिशन आपको 3:15 तक एग्जिट करनी होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि कुछ 10 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, लेकिन हम वेट करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से ये हमें प्रॉफिट कमा के देता है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर एग्जिट करना है, आपको प्रॉफिट हो रहा है और इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करना है, तो सिंपली आपको स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है और एग्जिट के ऊपर जाना है। अब एग्जिट के ऊपर ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही उसे सेल कर दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे बाय करेंगे, तो इसकी वजह से ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करना होता है, बाय की आपके सामने विंडो ओपन हो जाती है। क्वांटिटी सेम रखनी है, जितनी क्वांटिटी आप बेचते वक्त रखते हो उतनी क्वांटिटी आपको बाय करते वक्त ही रखनी है, ज़्यादा क्वांटिटी आप नहीं रख सकते। अब यहाँ पे लिमिट प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कितनी नीचे आने के बाद मुझे सेल करना है, या फिर जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अभी भी दिखा रहा है 10 रुपये का, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। लेकिन आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जिट किया जाता है, तो आप यहीं से इसे एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा स्टॉक जो आपने सेल किया है, जो प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट वहाँ पर बुक हो जाएगा, आप उस स्टॉक में से एग्जिट हो जाएगी, आपकी पोजिशन वहाँ पर क्लोज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे अगर हमें इसमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो। फिलहाल तो नहीं हो रहा है, लेकिन वेट करते हैं। अभी तो 10:50 हुए हैं, 3:30 बजे तक का, 3:15 बजे तक का वक्त है हमारे पास, वो देखेंगे और उसके बाद ही हम एग्जिट करेंगे। तो ये तरीका होता है पूरा शॉर्ट सेलिंग का, यानी कि इस तरीके से आप इंट्राडे में कोई भी स्टॉक शॉर्ट सेल कर सकते हो।
और अगर आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वॉच लिस्ट में हम फ्यूचर ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको जो फ्यूचर है वो शॉर्ट करना है। जैसे कि मुझे सेम LT का फ्यूचर ही शॉर्ट करना है, ऐसे मान लेते हैं, तो LT मैं सिलेक्ट करूँगा। FNO अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये जून का फ्यूचर मैं ऐड कर लेता हूँ। अगर फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग करनी है आपको तो आप इंट्राडे में कर सकते हो और उससे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, यानी कि एक्सपायरी तक रख सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टॉक के ऊपर सिलेक्ट करना है, फ्यूचर के ऊपर सिलेक्ट करना है और सेल के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको लॉट में बाइंग करनी होती है। इंट्राडे में क्या करते हो आप, आपके हिसाब से कितनी क्वांटिटी चाहिए, आपका बैलेंस कितना है उतना बाय करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको लॉट खरीदी करना होता है। तो एक लॉट में अगर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो मुझे पैसे देने होंगे 1,26,000 रुपये। लेकिन प्रोसीजर सेम है, इंट्राडे में आपको यहाँ पर लेवरेज नहीं मिलता है, लेकिन इंट्राडे पोजीशन आपको इंट्राडे में ही एग्जिट करनी होगी। अगर आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी। तो फिलहाल इंट्राडे का हम देख रहे हैं शॉर्ट सेलिंग, तो ये इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग आप फ्यूचर भी कर सकते हो और ऑप्शन में भी सेम आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। सो देखते हैं, अभी देखिए 4 रुपये का प्रॉफिट हमें, 4.5 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से ये स्टॉक और भी नीचे आएगा, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट आता है। हालांकि मैंने आपको एग्जिट कैसे करनी है ये बता ही दिया है। आई होप आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।